खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान लसबेला से। सहारा न्यूज के ब्यूरो चीफ उमीद अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गडानी में डीजी सीमेंट कंपनी की जुल्म के खिलाफ बीएनपी के जिला लेबर सेक्रेटरी बशीर अहमद महमूद दानी, पीपल्स पार्टी कलाथ डिवीजन के सीनियर रहनुमा गुलाम कादिर संघोर सलीम शेख की जमीन पर डीजी कंपनी की नाजायज कब्जा पर आज डीजी कंपनी के सामने मुजाहरा किया। इस मौका पर बशीर अहमद महमूदानी ने खिताब करते हुए कहा कि डीजी सीमेंट कंपनी ने जुल्मोबरियत की हद पार कर ली है। मुकामी गरीब सलीम शेख की जमीन पर कब्जा करना किसी फिरौनियत से कम नहीं। हम डीजी सीमेंट कंपनी की इस गुंडागर्दी की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी कलार डिवीजन के सीनियर रहनुमा गुलाम कादिर संघोर भी बरस पड़े और कहा कि हमेशा से लसबेला की आवाम को नजरअंदाज किया गया है और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हम पर जुल्म जवर किया जाता है, लेकिन अब हम नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलीम शेख ने अपनी बेबसी बयान करते हुए कहा कि मैं जब भी अपना हक मांगने गया मुझसे तल्ख कलामी और गालम गलोच की गई और मुझे धमकियां भी दी गई, और अगर अपना हक मांगना तो हम आपके साथ बहुत गलत करेंगे। सलीम शेख ने कहा कि क्या इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं? क्या ये रियासत मदीना है? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी सारी जायदाद ये जमीन है। खुदाया मुझको इंसाफ फराहम किया जाए।